आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में महाकाल की नगरी से। तो हम लोग हैं अभी उज्जैन में और ये उज्जैन की गलियां, और हम लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए महाकालेश्वर मंदिर के, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है। तो हम जा रहे हैं उसके दर्शन करने के लिए। हर महादेव, हर हर महादेव। जो हमारा होटल है वो मंदिर के बगल में ही है, तो हम तो सुबह शाम दिन रात महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी मार्केट भी है देखो, चारों तरफ। तो हम ले रहे हैं यहाँ से कुर्ता, तिमो देख रही है कुर्ता। यहाँ से नगरी में आके महाकाल के रंग में रंग चुके हैं मेरा जी, तो इन्होंने नया गेटअप है इनका, हमने यहाँ से लिए हैं कपड़े और अभी जा रहे हैं हम लोग महाकाल के मंदिर। हमारे होटल से सबसे पास महाकालेश्वर मंदिर जाने का यही रास्ता है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ से अंदर। ये देखिए कितना अच्छा बनाया गया है, चलते हैं अंदर को। हमारी महाकाल की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। मेहरा जी भी देखिए यहाँ महाकाल के रंग में रंग चुके हैं। अब लग रही है हम दोनों है ना मेहरा जी कि हम महाकाल की नगरी आए हुए हैं। हर हर और बहुत अच्छा लग रहा है कि महाकाल ने हमें बुलाया, अचानक से प्लान बन गया और हम लोग आ गए। तो जय हो महाकाल बाबा की जय। तो हम लोग आ गए यहाँ पे, मुझे तो लगा सीधे मंदिर में जाएंगे, यहाँ तो पूरी मार्केट है यार। यहाँ पे बस वो एक रास्ता बनाया था कि आप वहाँ से भी आ सकते हो, और यहाँ पे आपको देखो ये रुद्राक्ष की मालाएं मिल जाएंगी। चलते हैं आगे को, देखते हैं कितने आगे हो रहे हैं। हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के बाहर, वो देखो वो है मंदिर, मंदिर का ध्वज दिख रहा है यहाँ से। तो चलते हैं आगे को। ये देखो कितनी प्यारी यहाँ पे चित्रकारी की गई है, सब जगह महादेव ही महादेव हैं, हर हर महादेव। और ये लगी है यहाँ पे भीड़, ये है मंदिर, ये नागधारी गणेश मंदिर है, मुख्य मंदिर इसके बाद है। तो जो मैंने पहले दिखाया था यार वो मंदिर नहीं है, मंदिर यहाँ से आगे है अंदर को, तो मुझे लगा शायद वही मंदिर है। तो यहाँ से आगे हम चल रहे हैं, तो तिम्मो वहाँ से ले रही है मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल और प्रसाद। तो रास्ता यहीं से है, और जो मैं आपको दिखा रहा था ना पहले, तो मंदिर वही है, लेकिन वहाँ से क्या है, वहाँ शायद VIP लोगों का ऐसे कुछ एंट्री है। तो हमने कहा हम नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोगों की तरह जाएंगे। हर हर महादेव। ये आ गई है मिसेस तिम्मो, लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर महाकालेश्वर मंदिर के। अभी हम लोग भी ना फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमें कुछ आइडिया ज़्यादा नहीं आ रहा है, हम पूछ पूछ के जा रहे हैं। आप लोग देख लेना कैसे जाते हैं हमारे वीडियो के थ्रू। तो हमने वहाँ से प्रसाद ले लिया है, अभी यहाँ पर कह रहे हैं जूता काउंटर का, वहाँ जूते रखते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा है महाकाल, अगर अंदर फोटोग्राफी अलाउ हुई तो, वरना बाहर से देख लेना। दिख रहा है यही है उज्जैन मंदिर, ये कॉरिडोर के थ्रू जाएंगे हम, लंबा 10-15 मिनट का रास्ता है और ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, बोल रहे हैं। चलो देखते हैं। तो ये कॉरिडोर बना है यहाँ पे, तो महाकाल ने बुलाया और हम लोग आ गए। तो जय हो महाकाल की। तो हम लोग आज दर्शन कर लेंगे महाकाल के, और हमारा ये 300 ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने केदारनाथ और बनारस का काशी विश्वनाथ किया था। यहाँ पे VR में भी आपको 3D दर्शन हो जाएंगे श्री महाकालेश्वर के और श्री ओमकारेश्वर के, 150-150 रुपये में। तो हम जा रहे हैं अंदर, और ये है कॉरिडोर। तो हम आ गए हैं महाकालेश्वर मंदिर के अंदर, और यहाँ से घूमते हुए जाना है। हर हर महादेव। यहाँ से मात्र 10 मिनट की दूरी पे है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो अभी तो ना यहाँ पे काम भी चल रहा है, ये पूरा काम हो रहा है अभी तो, ये जब बन के तैयार होगा ना अंदर का, हाँ, और फिर ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी, भीड़ तो अभी भी नहीं है ना ज़्यादा, कितना प्यार लग रहा है। तो ये है सामने श्री महाकालेश्वर मंदिर, आप दर्शन कर लीजिए, इसके आगे वीडियोग्राफी नहीं हो पाएगी। हर हर महादेव। पहुँच गए हैं बिल्कुल मंदिर के अंदर। हर हर महादेव, जय हो। तो अब हम लोग अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर में हैं, ये देख लीजिए, अंदर दर्शन करके आते हैं। हर हर महादेव। तिम्मो कैसा लगा तुम्हें? भीड़ ज़्यादा नहीं थी, मतलब 15-20 मिनट में आराम से दर्शन हो गए, बस जहाँ पे मुख्य मंदिर है वहीं पर भीड़ थी। तो ये है सामने महाकालेश्वर मंदिर। हर हर महादेव। अंदर आरती शुरू हो गई है। हर हर महादेव।
जम्मू नंदी के कान में बोल रही है, कहते हैं ऐसा बोलने से सारी विशेष पूरी होती हैं। जय हो। तो यहाँ पे ना बहुत सारे मंदिर हैं, बाल विजय मस्त हनुमान जी का मंदिर केदारनाथ, और यह है श्री वृद्ध कालेश्वर मंदिर, जय हो, और यह है उमा शंकर महादेव का मंदिर, जय हो, हर हर महादेव, जय हो। हमने बाबा महाकाल के दर्शन कर लिए हैं और अब आप लोग को भी करा दिए, जितनी हमारी कोशिश थी हमने जितना करा सकते थे उतना करा दिए हैं, फिर भी बहुत करा दिए हैं। तो आप सबका प्यार चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट। तो अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं, जो मेन कॉरिडोर है वहाँ चलते हैं, क्योंकि हम जब आए थे हम दूसरे रास्ते आ गए थे, तो अब चलते हैं यहाँ से बाहर। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ पे, जो बाहर से कॉरिडोर बना है तो हम लोग जा रहे हैं अब आगे को। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई हैं भगवानों की, और ना अभी धूप हो ही रही है तो सही है ये मौसम है, वरना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती। अक्टूबर नवंबर में थोड़ा मौसम सही जाता है, तो यही सबसे मेन टाइम है यहाँ घूमने का। और ये देखो कितना प्यारा बनाया है, हर हर महादेव। जय वीर बजरंगी की जय। यहाँ पे देखो यार, देखिए यहाँ से आगे है महाकाल ब्रिज, महाकाल सेतु जो कि सामने है, तो वहाँ चलते हैं अब। और एक बन भी रहा है देखो यहाँ पे सेतु। तो ये सामने है महाकालेश्वर मंदिर, हमने यहाँ के दर्शन कर लिए हैं, और ये पूरा इसका कॉरिडोर। और ये तिम्मू को देखो, तिम्मू क्या हुआ, इसको धूप लग रही है बहुत। और यहाँ पे देखो ये सेतु बन रहा है एक, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ के लिए, फिर एक और कॉरिडोर के लिए रास्ता हो जाएगा ना। और ये चारों तरफ ये झील है, जय हो, हर हर महादेव। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तेज़, तो मैंने ऐसे चुन्नी ढक ली है, तो मैं ऐसे ही ब्लॉग को एंड करती हूँ। हम यहीं पर अभी बिल्कुल महाकाल मश्वर मंदिर के अंदर ही खड़े हुए हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, और महादेव आप पर भी कृपा बनाए और हम पर भी कृपा बनाए। तो ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।